आज की क्लास में हम मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन करते हैं सेकंड बुक से। तो सेकंड बुक स्टार्ट है चैप्टर नंबर 7, दैट इज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, पर ये आसान टॉपिक है। हम बोल सकते हैं अगर हमें सारे फॉर्मूले मालूम हैं, सारे मेथड्स मालूम हो, तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है। कोई भी क्वेश्चन हमें गिवन हो, हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें हम एक वैल्यू लेकर आते हैं, जिसमें हम लिमिट्स की कोई वैल्यू पुट करते हैं और हमें एक वैल्यू मिलती है, फिक्स वैल्यू। पर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसमें हमें वेरिएबल के फॉर्म में आंसर मिलता है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हमें इसे स्टडी करना है। इंटीग्रेशन हमें सभी का मालूम होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हैं तो उनके इंटीग्रेशन हम किस तरह से करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का किस तरह से करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन का किस तरह से करते हैं, अगर हमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करके इंटीग्रेशन करना है तो वो किस तरह से करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन भी हमने स्टडी किए हैं। तो इंटीग्रेशन टू फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन, तो अगर हमें ये सारे फॉर्म मालूम होंगे तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप फॉर्मूला सभी याद रखिए ताकि एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। अगर हम बात करें डेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स के भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। आपने देखा होगा कि अगर माइनस ए से ए लिमिट होता है, तो अगर हम इसे जीरो से ए में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसकी ये एक प्रॉपर्टी है कि हम इसे जीरो टू ए लिमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमें मिलती है इंटीग्रेशन की। तो आप उन सभी प्रॉपर्टीज़ को याद रखिए, तभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइम कोई भी प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन से 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं और 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो इंटीग्रेशन टॉपिक आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इससे हम बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वीडियो में आप कमेंट्स में वो क्वेश्चन डाल दीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कराएंगे। अदरवाइज मैं आगे स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हम अभी पूरे क्वेश्चन तो सॉल्व कर नहीं सकते। अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं, क्योंकि हमने एनसीईआरटी की सभी एक्सरसाइज सॉल्व की हैं। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए, बेशक हम उस कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखिए, हमें यहाँ पर गिवन है इवेल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π x tan x / sec x + tan x। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें कई प्रॉपर्टीज इंटीग्रेशन की अप्लाई होने वाली है, तो हम उससे ये सीख जाएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी हमें कब अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर ये tan x एंड sec x के फॉर्म पर है, जिसका इंटीग्रेशन करना डिफ़िकल्ट है और इसके साथ x मल्टीप्लिकेशन में भी है, तो इसलिए हम इसे पहले साइन और कॉस के फॉर्म पर कन्वर्ट कर लेते हैं। सपोज दिस इज i, तो अगर साइन 10 को हम साइन x अपॉन कॉस x लिख सकते हैं, sec x को 1 by cos x लिख सकते हैं एंड tan x को साइन x अपॉन कॉस x लिख सकते हैं। तो जब उस फॉर्म पर लिखेंगे तो यहाँ से ये हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा, x साइन x अपॉन 1 + sin x। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो cos x मिलेगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमें मिल गया x साइन x अपॉन 1 + sin x। अब यहाँ से हम कुछ ऐसी कोशिश करते हैं ताकि यहाँ से ये x कैंसिल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में भी है, डिवीज़न में भी है, तो इसे सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम कुछ इस तरह से इसे सॉल्व करना चाह रहे हैं कि यहाँ से ये x कैंसिल हो जाए। अब यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की होती है। अगर 0 to a लिमिट है तो हम इसे फंक्शन को a माइनस x के फॉर्म पर लिख सकते हैं।
ए की प्लेस पे क्या है पाई, तो हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज जीरो टू पाई, एक्स की प्लेस पे पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस साइन पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स मीन्स 180 माइनस थीटा, और हमें मालूम है कि साइन 180 माइनस थीटा ये हमें साइन थीटा के इक्वल ही मिलता है पॉजिटिव, तो साइन 180 माइनस थीटा की प्लेस पे हम साइन थीटा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से इसे लिख लेते हैं, दिस इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये हमें इस तरह से मिल गया। ऐसे करने से क्या हुआ, यहाँ पर ये पाई और ये x वाले टर्म्स अलग हो गए। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर वन है और ये इक्वेशन नंबर टू है, हम इन टू इक्वेशंस को ऐड करते हैं। हम यहाँ से करते हैं इक्वेशन वन प्लस टू, तो जब इन टू इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आई आई लेफ्ट साइड पर ऐड हो जाएंगे और ये हमें मिल गया टू आई लेफ्ट साइड पर। राइट साइड पर दोनों की लिमिट एक समान है तो हमने इसे वन टाइम ले लिया, और देखिए ध्यान से x साइन x अपॉन वन प्लस साइन x ये पॉजिटिव है, x साइन x अपॉन वन प्लस साइन x ये नेगेटिव है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ पर मिल जाएगा पाई साइन x अपॉन वन प्लस साइन x डी एक्स। तो जो हमने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई की उसके बाद ऐड किया, वो करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि यहाँ से ये x हट गया, उसकी प्लेस पर पाई आ गया, लेकिन पाई कांस्टेंट है तो हम उसे इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। तो अब हमें मिल गया है 2i is equal to integration of 0 to pi pi sin x upon 1 plus sin x। अब हम क्या करते हैं, इसका रेशनलाइज करते हैं। तो हम इसमें 0 to pi लिमिट है और यहाँ पर पाई को हमने कॉमन ले लिया, हमें मिल गया साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स। जस्ट रैशनलाइज करेंगे तो उसके लिए वन माइनस साइन एक्स को मल्टीप्लाई और वन माइनस साइन एक्स का डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा पाई इंटीग्रेशन ज़ीरो टू पाई, हमें ये मिल जाएगा साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये हमें इस तरह से यहाँ पर मिल गया, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करने से। अब ये हो जाएगा ज़ीरो टू पाई साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ से ज़ीरो टू पाई साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, दिस इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, आप सॉल्व करके देखिएगा। और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर sec x tan x को एज इट इज़ रहने देते हैं, और tan स्क्वायर x का डायरेक्ट फार्मूला हमें नहीं मालूम तो इसे हम लिख लेते हैं sec स्क्वायर x माइनस वन, tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस वन, तो इस नेगेटिव साइन के कारण ये साइन हो गया प्लस इंटू डी एक्स। अब देखिए फार्मूला अप्लाई कीजिए, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन ये हमें मिलता है sec x, ओके तो ये हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन sec x माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें मिलता है tan x एंड 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और लिमिट है 0 टू 1। अब लिमिट पुट करते हैं, लिमिट इज 0 टू पाई सॉरी, और लिमिट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा sec पाई माइनस sec 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 के लिए करते हैं तो ये हो जाएगा 10 पाई 10 0 प्लस
पाई माइनस ज़ीरो, ठीक है। सेक पाई, सेक पाई मतलब सेक 180 डिग्री, सेक पाई की वैल्यू होती है माइनस वन एंड सेक ज़ीरो इज ऑल्सो माइनस वन, ठीक है। और यहाँ से टेन पाई की वैल्यू ज़ीरो होती है एंड टेन ज़ीरो भी ज़ीरो होता है हमें मालूम है, एंड प्लस पाई माइनस ज़ीरो। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, देखिए मैं इसे यहाँ पर लिख रही हूँ, यहाँ से ये यह हमें मिल जाएगा पाई, दिस इज टू आई, यहाँ पर ये हो गया माइनस टू प्लस पाई, इस टू को ट्रांसफ़र करेंगे तो आई हमें मिल जाएगा पाई बाई टू इन ब्रेकेट पाई माइनस टू, दिस इज आवर आंसर। और यही वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी थी। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है जिसमें हमें एक फिक्स वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये क्वेश्चन हम इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करी है जिसे आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसके बाद चैप्टर 8 देखेंगे, तो चैप्टर 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। जिस तरह से डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन हम पढ़ते थे, उसी तरह से इंटीग्रेशन का भी एप्लीकेशन हमें स्टडी करना है, और इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन बहुत सारे फील्ड्स में होता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन फिक्स है 6 मार्क्स का, तो आप उस टॉपिक को मत छोड़िएगा, उसका सारा प्रोसीजर याद रखिए। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से 6 मार्क का 1 क्वेश्चन हमेशा आता है। इसमें क्या होगा, हमें कोई भी लाइन गिवन होगी, हमें उस लाइन का या उस कर्व का, जो भी कर्व हमें गिवन होगा, वो पैराबोला भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, कोई सिंपल लाइन भी हो सकती है, तो जो भी कर्व गिवन होगा उस कर्व का हमें इक्वेशन फाइंड करना है, और देन उसका हमें एरिया या कोई भी फाइंड करना होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का मेनली यूज़ हम करते हैं एरिया फाइंड करने में। स्मॉल से स्मॉल एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो, या हम कहें कोई अनडिफाइंड शेप होती है जिसका एरिया हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। मान लीजिए एक पैराबोला बना है और एक लाइन इस तरह से बनी हुई है। अब इस पैराबोला और लाइन का जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है, तो इसका एरिया हम डायरेक्ट तो फाइंड नहीं कर सकते, तो इन्हीं प्लेसेस पर हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की हेल्प से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से करना है, क्या प्रोसीजर है, ये हमने अच्छे से पहले पढ़ाया हुआ है और आप उसे वहाँ से पढ़ सकते हैं। अभी आप चाहें तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ, जिससे हमें ये थोड़ा रिवाइज हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। तो 1 क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमें मिल रहा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एट पॉइंट 1, √3। इस क्वेश्चन में हमें एरिया फाइंड करना है जो ट्रायंगल बन रहा है एक सर्कल के टेंजेंट एंड नॉर्मल और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच। तो सबसे पहले सर्कल हम बनाते हैं, तो सर्कल का इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हमें मालूम है सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ पर ए रेडियस को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर 4 को हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स इस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, 2। ओके, तो 2 सेंटीमीटर रेडियस का हम एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। तो एक सर्कल हमें इस तरह से मिल गया जिसका रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या दिया हुआ है कि इस सर्कल के टेंजेंट और नॉर्मल, तो नॉर्मल अगर हम इस सर्कल का टेंजेंट बनाते हैं तो हमें इसका पॉइंट दिया हुआ है, देखिए 1, √3, मतलब एक्स की वैल्यू 1 एंड वाई की वैल्यू √3, दिस इज़ 1 एंड √3 इज़ समथिंग 1.7, तो ये पॉइंट मिल गया यहाँ से। तो ये एक पॉइंट है 1, √3, और इस पॉइंट से
हमें टेंजेंट बनाना है और नॉर्मल बनाना है। तो टेंजेंट हम इस तरह से बना सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है टेंजेंट सर्कल को टच करती हुई आगे निकल जाती है और टेंजेंट का परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। तो इस तरह से टेंजेंट का परपेंडिकुलर हमने बनाया नॉर्मल। तो ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है और दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इन तीनों के बीच ये जो ट्रायंगल बन रहा है, दिस इस ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड करना है यूजिंग इंटीग्रेशन, क्योंकि डायरेक्ट तो हम इसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते। तो अब टेंजेंट को यूज़ करना है, इंटीग्रेशन को यूज़ करना है और हमें इसका एरिया फाइंड करना है। पर उसके लिए हमें पहले टेंजेंट एंड नॉर्मल के इक्वेशन फाइंड करने होंगे। अब देखिए यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन आ गया, तो आपको सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर एरिया फाइंड करना है तो पहले इस लाइन का और इस लाइन का इक्वेशन पता करना होगा, एंड दिस इज टेंजेंट, दिस इज नॉर्मल। तो टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन किस तरह से फाइंड करना है ये हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया है। टेंजेंट और नॉर्मल का पहले स्लोप फाइंड करना होगा, एंड स्लोप के लिए हमें ये जो इक्वेशन मिल रहा है इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x, एंड वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy by dx, 4 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो यहाँ से dy by dx की वैल्यू फाइंड करिए, dy by dx हमें मिल जाएगा -2x अपॉन 2y, दिस इज -x अपॉन y। x और y की वैल्यू हमें मालूम है, x की वैल्यू है यहाँ से देखिए 1, y की वैल्यू है √3, तो ये हो गया -1 अपॉन √3। मतलब जो टेंजेंट लाइन हमने बनाई है उसकी स्लोप हमें कितनी मिल गई, -1/√3, और ये स्लोप हमें मिला है टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो हमें मालूम है कि नॉर्मल का स्लोप इक्वल होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो -1/√3 करेंगे तो ये हो जाएगा √3। मतलब नॉर्मल का स्लोप कितना मिल गया, √3, और टेंजेंट का स्लोप कितना मिल गया, -1/√3। अब इन दोनों के इक्वेशंस हमें पता करने हैं, तो यहाँ से हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट का इक्वेशन कितना हो जाएगा, पॉइंट्स तो हमें मालूम है, ये हो जाएगा y-√3 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x-1। सॉल्व करिए, तो सॉल्व जब करेंगे तो टेंजेंट का जो इक्वेशन है ये हमें मिल जाएगा x+√3y इज इक्वल टू 4। आप सॉल्व करके देखिएगा, ये हमें मिल जाएगा इतना। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का इक्वेशन कितना हो जाएगा बताइए, ये हमें मिल जाएगा y-√3। अब यहाँ पर नॉर्मल का स्लोप यूज़ कीजिए, नॉर्मल का स्लोप कितना है, √3, तो ये हो जाएगा √3x-1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा y=√3x। तो ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन, ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। अब हम यहाँ से यूज़ करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमें फाइंड करना है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, देखिए इस पूरे का एरिया हमें फाइंड करना है। ये पॉइंट हमें मालूम है कि इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, यहाँ से 1,0, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो कितना होगा। तो हमें इस पॉइंट की वैल्यू पहली फाइंड करनी होगी। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये टेंजेंट का लाइन है। तो टेंजेंट के जो इक्वेशन है उसमें y की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो x क्या मिल जाएगा, 4। मतलब ये जो पॉइंट b है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4,0, ठीक है। तो हमें इसका लिमिट भी मिल गया 0 to 1, 1 to 4। यहाँ तक जब हम लिमिट लगाएंगे 0 से 1, तो हम कौन सा लाइन देख रहे हैं, दिस इज नॉर्मल लाइन, तो नॉर्मल लाइन का इक्वेशन लेंगे। और जब 1 से 4 लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम इस लाइन का इक्वेशन लेंगे, दैट इज टेंजेंट।
तो एरिया हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 स्क्वायर रूट 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 टू 4 दिस y की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी, 4 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 3 dx। यहाँ से y की टर्म्स में से फाइंड करेंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम एरिया निकालेंगे। अब इसे इंटीग्रेट करती है तो स्क्वायर रूट 3 तो कॉमन है, कांस्टेंट है सॉरी, और x का डिफरेंसी, x का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 1। सिमिलरली यहाँ से 1 बाई स्क्वायर रूट 3 कॉन्स्टेंट मिल गया और 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट है 1 टू 4। लिमिट अप्लाई करिए, सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने से ये हमें यहाँ से मिल जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 और ये एरिया है इसलिए हम यहाँ पर यूनिट लेते हैं इसका स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन का यूज़ एरिया फाइंड करने के लिए करते हैं, चाहे वो कोई भी कर्व गिवन हो। मान लीजिए हमें इस तरह से गिवन है कि एक पैराबोला इस तरह से बन रहा है और एक लाइन हमने इस तरह से बनाई है, तो इनके बीच का ये जो एरिया है ये हमें फाइंड करना है। तो इस कंडीशन पर भी हम इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी टू लाइंस गिवन है तो उनके बीच का जो पार्ट है उनका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का यूज़ करके कोई भी एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो जो ये इंटीग्रेशन का चैप्टर है, मैं बार बार बोलूँगी इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। कोई भी आप मत छोड़िएगा, कहीं कोई भी प्रॉपर्टी कहीं पर भी अप्लाई करनी पड़ सकती है। और साथ ही जो हमने पिछले पढ़े हैं डिफ्रेंसिएशन, वो भी यहाँ पर यूटिलाइज होता है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर टेंजेंट और नॉर्मल हमने यूज़ किया, तो इसलिए आप पूरा पढ़िए, कोई भी टॉपिक स्किप मत कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखिए। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होगा और उस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री हमें फाइंड करनी होती है। तो हमें मालूम है कि अगर हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सपोज मान लीजिए डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इस तरह से मान लीजिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है और इसमें हमें ये देखना होता है कि हाईएस्ट पावर किसका है। तो यहाँ पर तो हाईएस्ट पावर ये 2 मिल रहा है, पर ये नहीं, हमें देखना होता है कि कितने टाइम्स डिफरेंशिएट यहाँ पर हाईएस्ट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है, तो डी क्यूब वाई मतलब ये 3 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है। तो ये किस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, 3rd ऑर्डर का, क्योंकि ये 3 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया, 3। अब अगर हमें इसकी डिग्री फाइंड करनी है तो डिग्री के लिए हम जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसका पावर देखते हैं। तो इसका पावर यहाँ पर 1 है, मतलब इसकी डिग्री, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी हो गई, 1। तो इस तरह से ऑर्डर और डिग्री हमें फाइंड करनी होगी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है, ओके। अब इस चैप्टर से हमें जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए पूछा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, साथ ही होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसमें हम पर्टिकुलर इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले फाइंड करते हैं और उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो सारे प्रोसीजर आप लेक्चर से स्टडी कर सकते हैं, पर इन टॉपिक को स्टडी करना है, क्योंकि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से या जनरल सॉल्यूशन से या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तीनों में से किसी भी एक टॉपिक से 4 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। तो ये 3 टॉपिक्स
स्टडी कर लीजिए, इन तीनों के प्रोसीजर आप स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें सबसे पहले इक्वेशन को पता करना आना चाहिए वो किस तरह का इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों ही टाइप हमने स्टडी किया है और हमें दोनों ही के क्वेश्चन आ सकते हैं, पर क्वेश्चन में ये लिखा नहीं होता कि ये कौन से टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमें पहले उसे पहचानना होगा और फिर उसके हिसाब से उसे सॉल्व करना होगा। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर ये हमें मिल रहा है dy by dx minus y is equal to cos x, तो ये कौन सा फॉर्म हमें मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है dy by dx plus py is equal to q, इस फॉर्म पे p की प्लेस पे माइनस वन है, q की प्लेस पे cos x है, एंड दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का दिया हुआ है। अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि हमें कोई ऐसा फंक्शन मिलता है जो दूसरा सेम डिग्री के फंक्शंस उसमें होते हैं, मीन्स ये हमें मिलता है फंक्शन ऑफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई, ये टू फंक्शंस हैं और इनकी अगर मैं डिग्री को देखूं तो इनकी डिग्री का जो पावर होता है वो सेम होता है, तो इस तरह से हमें जो इक्वेशन मिलता है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पता करना आना चाहिए कि हम किस तरह के इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, किस तरह के इक्वेशन को जनरल डिफरेंशियल सॉरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, तभी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आप डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। अब यहाँ पर एक बात और कि ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो dy by dx है इसका जो कॉफिशियंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इसका कॉफिशियंट 1 है, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है इसमें इसका कॉफिशियंट 1 है, तो ये हमेशा 1 होना चाहिए। अगर 1 की प्लेस पर यहाँ पर कोई दूसरा टर्म आता है, मान लीजिए कि यहाँ पर है एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई, तो उस कंडीशन पर हम इक्वेशन में एक्स स्क्वेयर डिवाइड करेंगे और पहले इसे 1 लाएंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कि dy by dx का कोफिशियंट हमेशा 1 होना चाहिए। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम किस तरह से करते हैं, तो इसमें हमें मालूम है कि इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें किस तरह से मिलता है, दिस इज e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx। ये आप ये सारे फॉर्मूले हैं, आप अगर देखेंगे साथ साथ लिखेंगे तो फॉर्मूले आपको रिवाइज होंगे, याद होते जाएंगे, फिर आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p की वैल्यू क्या है माइनस वन, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस वन इंटू dx, दैट इज e टू द पावर माइनस x। मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें क्या मिल गया, e टू द पावर माइनस x। अब हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो अगर हमने पढ़ा है कि dy by dx के फॉर्म पर है तो हमें सॉल्यूशन y के रिस्पेक्ट में मिलता है, पर अगर ये dx अपॉन dy के फॉर्म पर है तो सॉल्यूशन x के फॉर्म पे मिलता है। तो यहाँ पर ये हमें dy by dx मिला है, तो इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा y इन मल्टीप्लीकेशन विथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कॉन्स्टेंट c। ये इसका जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है, इसमें ही हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर q की वैल्यूज पुट करनी है फिर सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड किया है e टू द पावर माइनस x, तो ये हो गया y इंटू e टू द पावर माइनस x, q की वैल्यू है cos x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर माइनस x dx प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट c। अब यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंस कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन मिल गया है, तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं।
तो मैं यहाँ पर पहले केवल इतने पार्ट को लेकर सॉल्व कर रही हूँ। मान लीजिए ये इंटीग्रेशन है, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस x इंटू कॉस x dx। अब ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, टू फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो टू फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको मालूम है, वही हमें यहाँ पर यूज़ करना है। और इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से ले लेते हैं कि हम कौन से फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, कौन से फंक्शन को सेकेंड फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन मान लीजिए। तो यहाँ पर हमें ये मिलता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और इस टर्म का होल इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला हमें मिलता है। तो ये कॉस एक्स तो एज इट इज रहेगा, e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ये हमें मिल जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा माइनस साइन एक्स, और e टू द पावर माइनस एक्स का यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन है, दिस इज e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन। यहाँ से ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया और ये हमें मिल गया माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ये वैल्यू अब हमें यहाँ से मिल गई। तो यहाँ पर फिर से टू फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन मिल गया, जिसमें एक फंक्शन e टू द पावर माइनस एक्स है, दूसरा फंक्शन साइन एक्स है। फिर से हम डिफरेंशिएशन, फिर से इंटीग्रेशन करते हैं, वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं टू फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का। तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स और इस टर्म का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हमें फिर से वही मिल जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, और यहाँ से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमें मिल गया कॉस एक्स, और e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन मिल जाएगा माइनस e टू द पावर एक्स, जिससे ये साइन क्या हो गया प्लस। ओके, अब यहाँ से देखिए ये वही फंक्शन फिर से हमें मिल गया जहाँ से हमने शुरू किया था। ओके, तो इसकी प्लेस पर हम i लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसे i माना हुआ था। तो ये हो गया माइनस e टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस ये हो गया प्लस e टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये भी i के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। तो जब इसे ट्रांसफर करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो गया हमें मिल गया 2i, और यहाँ से हम e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। दिस अगर इस 2 को ट्रांसफर करते हैं ये हो गया e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इन ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इस वैल्यू को हम इसकी प्लेस पर पुट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा y e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इन ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट c। अब ये हमें हमारा सॉल्यूशन मिल गया। हम चाहें तो e टू द पावर माइनस एक्स से इसे डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये y के टर्म्स में हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, या हम कहें हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे और ट्रांसफ़र करने से फिर हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन या हम कहें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन मैंने लिया था, जिसमें हमें ये टू फॉर्म्स याद रखने हैं। अब इसी तरह से हम इसका नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, दैट इज़ वेक्टर अलजेब्रा, और वेक्टर अलजेब्रा के भी मार्क्स डिवीज़न हम देखते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है वेक्टर। वेक्टर मैं कहूँगी दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर,
क्योंकि वेक्टर से 1 मार्क का भी क्वेश्चन आता है और कभी कभी इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं एंड 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो इससे कंपलसरी आते हैं। तो ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये दोनों हमेशा फिक्स हैं कि 6 मार्क्स का और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, पर कभी कभी 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन में भी वेक्टर से क्वेश्चन हमें आता है, ठीक है। तो इसलिए वेक्टर टॉपिक को आप बिल्कुल भी मत छोड़िए, इसके सारे टॉपिक्स स्टडी करिए। वेक्टर में हमें क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, किसी भी 2 वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड करना, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो सभी आपको स्टडी करने हैं। और जो क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, उनकी प्रॉपर्टीज़ आप याद रखिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट किस समय 0 होगा, अगर हम 2 वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है। आपको ये मालूम है कि अगर हमने कोई 2 वेक्टर्स लिए डिफरेंट और ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो इस कंडीशन पर इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होता है, ठीक है। साथ ही साथ हमने ये पढ़ा है कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हम करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं वेक्टर ए का स्क्वेयर, ठीक है। और वेक्टर की जो प्रॉपर्टी है, अगर हम आई डॉट आई करते हैं तो ये 1 मिलता है, पर अगर हम आई क्रॉस आई करते हैं तो ये 0 मिलता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये सभी यूज़ होती हैं जब हम वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और वेक्टर में हमने 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन का इक्वेशन भी पढ़ा है, सेक्शन फार्मूला भी पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एंगल फाइंड करना, या हम कहें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर से भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से स्टडी करिए, इनसे क्वेश्चंस भी सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवाती हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग है इसलिए मैं यहाँ पर सॉल्व करा रही हूँ। बाकी एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चंस आप हमारे लेक्चर्स में, आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12th मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट, और उसमें जाकर आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन वेक्टर का आपको सॉल्व करवाती हूँ। एग्जांपल देखिए, हमने लिया हुआ है इफ़ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, देन प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वली इंक्लाइंड विद वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ऑल्सो फाइंड द एंगल। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ले लेते हैं कि इसके मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मॉड वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि इनके जो मैग्नीट्यूड है इसकी वैल्यू है सपोज लैम्डा, ओके। अब यहाँ पर हमें गिवन है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं दैट मींस इनके डॉट प्रोडक्ट आपस में अगर हम करते हैं तो इनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये मिल गया क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ओके। अब हमें गिवन है कि हमें फाइंड करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, अगर हम करते हैं तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों से सेम एंगल बनाता है, ओके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी मॉड वैल्यू लेके स्क्वेयर करते हैं, ओके। दिस इज नथिंग बट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इन डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये हमें मिल गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा
वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी प्लस टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ओके, ये हमें इस तरह से मिल गया। अब यहाँ पर से देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसे हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वेयर। सिमिलरली दिस इज मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वेयर, दिस इज मॉड ऑफ वेक्टर सी स्क्वेयर। और ये थ्री वैल्यूज जो है वो ज़ीरो हो जाएंगी, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यहाँ से ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो ये तीनों ज़ीरो हो गए। अब यहाँ से इनकी वैल्यूज हमने कंसीडर की है कि इनका मैग्नीट्यूड लैम्डा है, तो यहाँ पर भी लैम्डा, यहाँ पर भी लैम्डा पुट करेंगे, ये हो गया लैम्डा स्क्वेयर प्लस लैम्डा स्क्वेयर प्लस लैम्डा स्क्वेयर, दिस इज थ्री लैम्डा स्क्वेयर। तो यहाँ से हमें मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी स्क्वेयर की वैल्यू मिल गई थ्री लैम्डा स्क्वेयर। अगर हम फाइंड करते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसके लिए स्क्वेयर रूट करते हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वेयर रूट थ्री इंटू लैम्डा। तो ये हमें अभी तक इसकी मैग्नीट्यूड मिला है, जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है उसका मैग्नीट्यूड हमें मिल गया थ्री स्क्वेयर रूट थ्री लैम्डा। अब हम एंगल फाइंड करते हैं। मान लीजिए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच थीटा वन एंगल बनता है, तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं कॉस थीटा वन। तो एंगल का फॉर्मूला आपको मालूम है किस तरह से हमें करना है, दोनों वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में उनकी मॉड वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ से कॉस थीटा वन क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर में इनकी मॉड वैल्यू, तो ये हमें यहाँ से मिल गया। डॉट प्रोडक्ट करिए, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये न्यूमरेटर में हमें मिल गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए वेक्टर बी के साथ और सी के साथ, जब इसका डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसकी वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वेयर और ये हो गया मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। यहाँ से मॉड ऑफ वेक्टर ए एक कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर में मॉड ऑफ वेक्टर ए बच रहा है, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ से ली हुई है लैम्डा, दिस इज लैम्डा एंड दिस इज स्क्वेयर रूट थ्री लैम्डा, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और थीटा वन हमें मिल गया कॉस इनवर्स वन बाई स्क्वेयर रूट थ्री। ठीक है, ये हमने अभी वेक्टर ए के लिए किया। आप सिमिलर सॉल्व करिए वेक्टर बी के लिए वेक्टर सी के लिए, आप देखेंगे आपको यही वैल्यू मिलेगी, मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से इक्वली इंक्लाइंड है, हमें यही फाइंड करना था। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं और यहाँ से हमने एंगल भी फाइंड कर लिया कॉस इनवर्स वन बाई स्क्वेयर रूट थ्री। ओके, तो आप सॉल्व करके देखिएगा, मैंने अभी सिर्फ वेक्टर ए के लिए किया है, आपको एग्जाम में वेक्टर बी और वेक्टर सी के लिए भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं जो थोड़ा सा हमें दिमाग लगाने पड़ेगा और सॉल्व करना है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो हमें नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा सा हमें घुमाकर क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर से देखते हैं, दैट इज थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। नेक्स्ट चैप्टर है थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चंस हमें एग्जाम में आते हैं, ये जनरली कभी फोर मार्क्स के क्वेश्चन में इससे पूछा जाता है या कभी सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। इस चैप्टर से सिक्स मार्क का क्वेश्चन आता है, कभी कभी टू मार्क्स का एक क्वेश्चन और फोर मार्क का एक क्वेश्चन आता है, पर कभी कभी सिक्स मार्क का वन क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो इसमें जनरली
हमें टू प्लेन्स के बीच एंगल, टू लाइंस के बीच एंगल, लाइन एंड प्लेन के बीच एंगल, इस तरह के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। या इसमें हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इसमें हमें डायरेक्शन कोसाइन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही कोई पॉइंट हमें गिवन होगा, कोई लाइन के इक्वेशंस गिवन होंगे, लाइन का इक्वेशन एंड प्लेन का इक्वेशन गिवन होगा, और उन दोनों के पैरेलल हमें किसी दूसरी लाइन का इक्वेशन बनाना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन इससे आते हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या एनसीईआरटी बुक में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन हैं, हमने भी इसे सॉल्व कराए हैं, तो वहाँ से जाकर आप इसे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें से भी टॉपिक आप मत छोड़िएगा, क्या, क्योंकि इससे भी 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये आसान चैप्टर है। इसमें हमें डायरेक्ट फार्मूला ही स्टडी करना है, एंगल फाइंड करना है तो एंगल का फार्मूला स्टडी कर लीजिए। हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाता है टू प्लेन्स के बीच में या टू लाइंस के बीच में, तो वो किस तरह से करते हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, दैट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा चैप्टर है जो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका 6 मार्क फिक्स है, क्योंकि ये बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें हमें किसी भी प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए कहा जाता है, और हम उसे सॉल्व करते हैं। और इसमें कर्व ड्रॉ करना होता है, तो कर्व ड्रॉ करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे जब इस चैप्टर को स्टडी कराया है तभी भी बताया है, इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे डाइट प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरर प्रॉब्लम एंड एलोकेशन प्रॉब्लम, एंड फोर्थ वन इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसमें डाइट प्रॉब्लम में हमें किसी भी पर्सन की डाइट गिवन होती है और उसे हमें लोकेट करना होता है, या उसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इससे भी एक क्वेश्चन फिक्स है 6 मार्क्स का जो हर साल पूछा जाता है। तो ये चैप्टर छोटा भी है और इससे एक क्वेश्चन फिक्स भी है, तो आप इसे स्किप मत कीजिएगा, ऐसे 6 मार्क फिक्स होते हैं। इसमें जो भी हमें क्वेश्चन गिवन होता है उसके लिए हम इन इक्वेशन बनाते हैं और इन इक्वेशन के पॉइंट्स लिखते हैं, और देन उन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, और लोकेट करने के बाद जो हमें जितने नंबर ऑफ इन इक्वेशंस मिलेंगे उतनी नंबर ऑफ लाइन हम ड्रॉ करते हैं क्वाड्रेंट्स में, और उन लाइन में हम देखेंगे कि कौन सा रीजन सभी लाइन के लिए कॉमन होता है, दैट इज अवर आंसर। तो ये टॉपिक आसान है और 6 मार्क्स इसमें मिलेंगे, तो इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे भी 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे थ्योरम्स टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे आपको बर्नौलीस ट्रायल्स के क्वेश्चन मिलेंगे, बेस थ्योरम के क्वेश्चन मिलेंगे, सिंपल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से स्टडी करिएगा। यहाँ पर मैं एक बेस थ्योरम का क्वेश्चन कराती हूँ जो पिछले ईयर्स में पूछा गया है। इसमें हमें गिवन है, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर एंड अ ट्रक ड्राइवर आर 0.01, 0.03 एंड 0.15 रेस्पेक्टिवली। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज़ अ स्कूटर ड्राइवर। हमें गिवन है कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है जिसने 2000 स्कूटर ड्राइवर के इंश्योरेंस किए हैं, 4000 कार ड्राइवर के इंश्योरेंस किए हैं एंड 6000 ट्रक ड्राइवर के इंश्योरेंस किए हैं, और उस किसी रोड पे जो एक्सीडेंट होते हैं उसकी उसका हमें गिवन है कि 0.01 जो होता है, दैट इज़ 1% स्कूटर ड्राइवर्स के एक्सीडेंट होते हैं, या हमें गिवन है कि 0.03 ऐसे होते हैं जो कार ड्राइवर्स होते हैं, 0.15 ऐसे होते हैं जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं। और
अगर उस रोड पर एक्सीडेंट होता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो स्कूटर ड्राइवर होगा, तो ये हमें फाइंड करना है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हमने पढ़ा है इसे हम बेस थ्योरम से बनाते हैं। तो बेस थ्योरम क्या होता है, बेस थ्योरम में हम सबसे पहले इवेंट्स ले लेते हैं। मान लीजिए कि E1, E2, E3 ये 3 इवेंट्स लिए और E1 को हम कंसीडर करते हैं पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर, E2 इज पर्सन इज ट्रक ड्राइवर। तो ये 3 प्रोबेबिलिटीज हमने 3 इवेंट्स ले लिए और यहाँ पर हम लेते हैं इवेंट ए जो हमें कंडीशन गिवन है पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पर 4 इवेंट्स हमें मिल गए। फर्स्ट इवेंट है कि जो पर्सन हम चूज करेंगे वो स्कूटर ड्राइवर हो। सेकंड इवेंट E2 है कि जो पर्सन हम चूज करेंगे वो कार ड्राइवर हो। थर्ड इवेंट E3 है जो पर्सन हम चूज करेंगे वो ट्रक ड्राइवर हो। एंड इवेंट ए हमने लिया है कि जो वो पर्सन जो एक्सीडेंट जिसका एक्सीडेंट हो रहा है। अब इसमें हमें बेस थ्योरम अप्लाई करना है। तो अगर हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर हमें गिवन है कि जो स्कूटर ड्राइवर्स हैं उनके नंबर कितने हैं, देखिए क्वेश्चन में 2000, मतलब स्कूटर ड्राइवर कितने हैं 2000, कार ड्राइवर 4000 एंड ट्रक ड्राइवर है 6000। तो अगर हम फाइंड करें कि जो पर्सन हम चूज करें वो स्कूटर ड्राइवर हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2000 by 12000, ये हो जाएगा नंबर ऑफ पर्सन इन स्कूटर ड्राइवर एंड टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स, तो ये क्या हो जाएगा 1/6। इसी तरह से हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो ये हमें मिल जाएगा 4000 upon 12000, दैट इज 1/3। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तो ये हमें मिल जाएगा 6000 by 12000, That is 1/2। तो ये 3 probabilities अब हमने find कर ली। हमें find करना है probability of E1 when A is happening। मतलब हमें find करना है कि जो student जिस person का accident हो रहा है वो scooter driver हो। Mean that means probability of E1 when event A is happening, तो ये हमें यहाँ पर find करना है। तो इसके लिए हमने एक formula study किया था Bayes theorem में, probability of event E1 when A is happening। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, probability of A when E1 is happening into probability of E1, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी होती है उसे हम न्यूमरेटर में लेते हैं और डिनोमिनेटर में फिर हम तीनों का सम लेते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 इज हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 इज हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E3 इज हैपनिंग, ये हम फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर जो 3 हमने लिए हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 इज हैपनिंग, ये क्या हो जाएगा, तो इसे फाइंड करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 इज हैपनिंग, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो इंश्योरेंस किए गए पर्सन कार ड्राइवर हो E1 इज हैपनिंग। E1 इज हैपनिंग मींस जिनका इंश्योरेंस किया गया है वो स्कूटर ड्राइवर हैं और
एक्सीडेंट से मीट कर रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है 0.01 कि जो इंश्योरेंस पर्सन है उनका एक्सीडेंट होता है और वो कार स्कूटर ड्राइवर है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.01। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंश्योर्ड पर्सन टू बी अ कार ड्राइवर एंड मीट एन एक्सीडेंट इज 0.03 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन E3 इज हैपनिंग दिस इज 0.15। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट इज स्कूटर ड्राइवर। तो इसके लिए सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई इज हैपनिंग दिस इज 0.01। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 1/6। सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो जब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखिएगा, ये हमें मिल जाएगा 1/52 और ये हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई कि जिस पर्सन का एक्सीडेंट होगा वो पर्सन स्कूटर ड्राइवर हो। तो इस तरह के क्वेश्चन, ये पिछले एग्जाम से में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बेस थ्योरम से रिलेटेड है। तो बेस थ्योरम आप पढ़ लीजिएगा, बेस थ्योरम से क्वेश्चन आते हैं। कई स्टूडेंट ने पूछा था कि बेस थ्योरम इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, पर बेस थ्योरम इज़ इम्पॉर्टेंट एंड बर्नौली ट्रायल से भी क्वेश्चंस आते हैं और सिंपल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी आते हैं, क्योंकि हमारे बुक में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी एट रैंडम वेरिएबल मींस एट रैंडम वेरिएबल, ये सभी के क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट प्रोबेबिलिटी, टू प्रोबेबिलिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होते हैं, प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम किस तरह से होता है, ये सारे टॉपिक आप पढ़ लीजिए। तो इस तरह से एक शॉर्ट रिवीजन हमने यहाँ पर किया है। हमने अभी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए क्योंकि आपको प्रिपरेशन करनी है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए ऐसा ज़रूरी नहीं होता। इसलिए आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और उसके मेथड्स को देखिए कि किस मेथड में किस तरह का थ्योरम हमें अप्लाई करना है, हर क्वेश्चन में जो डिफरेंस होते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है, आप मेनली उसके मेथड्स को, उसके थ्योरम को और मैं कहूँगी फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपको फार्मूला मालूम है, सारे मेथड्स मालूम हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और मैं फिर से कहूँगी 2017 एंड 2018 के क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करिए, क्योंकि जनरली 2 ईयर्स के क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। तो एक बार उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से करिए और प्रैक्टिस करिए। आप जो जो चैप्टर हैं जिनसे 6 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स हैं आप उन्हें कर लीजिए, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे 6 मार्क्स के क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं। एंड नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स तो बहुत ही आसान चैप्टर है। डिटर्मिनेंट्स में कॉलम और रो ऑपरेशन हम एक साथ लगा सकते हैं तो वो तो बहुत आसान है। मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है जो हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू करते हैं, जिसमें अगर हमने रो ऑपरेशन चूज़ किया तो रो ही अप्लाई करेंगे, कॉलम ऑपरेशन चूज़ किया तो कॉलम ऑपरेशन ही अप्लाई करेंगे। तो वो सारे टॉपिक हैं जो आप फुल मार्क्स आप उनसे मिल सकते हैं और उन टॉपिक्स को आप अच्छे से, आप, मैं फिर से बोलूँगी, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेशक कमेंट्स में कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।